तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं जो पार्ट वन था ना, मैंने इस वीडियो का जो पार्ट वन बनाया था उसमें मैंने नोट्स नहीं बताए थे आपको सही से, तो यहां पर मैं आपको अच्छे से नोट्स बताऊंगा, ठीक है, डीएलएम्बर प्रिंसिपल का। अभी मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि डीएलएम्बर फोर्स मतलब ही आपका सुडो फोर्स होता है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एक लिफ्ट और इंसान का एग्जाम्पल से बताया था आपको, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देखिए, पार्ट वन, ये पार्ट टू है, ठीक है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि डीएलएम्बर फोर्स इज नथिंग बट द सुडो फोर्स, ठीक है। सो डीएलएम्बर फोर्स इज इम्पोज्ड ऑन द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी टू क्रिएट एन इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहां पर जो इंसान था पिछले वीडियो में, वो इंसान जो इस वेट मशीन पे खड़ा हुआ था और वो वेट मशीन इस एलिवेटर में थी और ये एलिवेटर ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रही थी, तो ये इंसान जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट गार्ड वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट गार्ड, इस लिफ्ट गार्ड के नजरिए से ये जो इंसान है जो इस वेट मशीन पे खड़ा हुआ है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहां पर जब भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, एक इमेजिनरी डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, तब आपको डीएलएम्बर फोर्स की या फिर सुडो फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद मैं आपको एक पांच पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर है ये पांच पॉइंट्स, ठीक है, कि ये पांच पॉइंट्स देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस फोर्स, ये जो डीएलएम्बर्ड फोर्स है या फिर सुडो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा एम इंटू ए। ये एम क्या होता है, एम मतलब वो बॉडी का मास जिस बॉडी पे आपका सुडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एम इज द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच द सुडो फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है उस बॉडी का जिस पे सुडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सुडो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अभी देखिए यहां पर इस सुडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन है इन अपोजिट टू द दैट ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे कि यहां पर मैंने बताया हुआ है इस डायग्राम में, जैसे कि मैंने बनाया है, जैसे कि यहां पर ये जो इंसान था वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो अपवर्ड मोशन कर रहा था, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड था, इसलिए उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड था इसलिए उस पर लगने वाला जो सुडो फोर्स है वो है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड है एम इंटू ए। तो ये जो है, जो सेकेंड पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सेलरेशन, तो ये आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। ये पहले दो पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए थर्ड पॉइंट, इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द कर्व्ड पाथ इट मे हैव टू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो हमने कर्व्ड मोशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दिस केस टू डीएलएम्बर्ड फोर्सेस एम इंटू ए टी अपोजिट टू द ए टी एंड एम इंटू ए एन अपोजिट टू द ए एन आर नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताता हूं एकदम आसानी से कि मान लीजिए यहां पर इस सर्कल के अलोंग, ठीक है, इस सर्कल के अलोंग एक कोई तो कार जा रही है, ठीक है, या फिर कोई एक बॉडी जा रही है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स द सेंटर इज ए सी या फिर ए एन, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंड वो यहां पर इस डिरेक्शन में ऐसे जा रहा है, बराबर वो इस डिरेक्शन में जा रहा है, इसलिए उसका जो ए टी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डिरेक्शन में, ठीक है। अगर मान लीजिए उस बॉडी का मास m है तो उसपे एक दो सुडो फोर्स लगेंगे, एक तो है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ए टी एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए एन। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ए टी में आपको m इंटू ए टी ये सुडो फोर्स मिलेगा और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ए एन में आपको m इंटू ए एन ये सुडो फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी इस सुडो फोर्स को जो ये सेंटर से अवे होता है ना उसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सेंट्रीफ्यूगल होता है या सेंट्रीपेटल होता है। मुझे जहां तक याद है कि ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है, जो सेंटर से अवे होता है, ठीक है, और सेंट्रीपेटल होता है जो सेंटर के पास जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल इज द सुडो फोर्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है इस वाले सुडो फोर्स को, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो यहां पर हम एम इंटू ए टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ
इट मे हैव टू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन. इन दिस केस टू डी लैम्बर्ट फोर्सेस एम इंटू ए टी अपोजिट टू द ए टी, ठीक है, एंड एम इंटू ए एन अपोजिट टू द ए एन आर नेसेसरी टू एस्टेब्लिश डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैंने पहले बताया हुआ है इस वीडियो के पार्ट वन में, ठीक है, तो वो प्लीज देखिए आप. डी लैम्बर्ट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया फोर्स, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स या फिर इनर्शिया वेक्टर, ठीक है. इसको सूडो फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये सूडो फोर्स आप एड कर लीजिए इसमें, ठीक है. पांचवा पॉइंट ये है कि इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कि ऐसा कोई फैन है, ठीक है, ये ऐसा कोई फैन है जो आपने ऑन कर दिया, ठीक है, ये पहले रेस्ट पोजीशन पे था, आपने बटन चालू किया, ये फैन घूमने लगा, तो इस फैन के इनिशियल मोमेंट में उसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो उसकी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू द ऑप्टिमम स्पीड. तो उसके पास जो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जब होता है उसके पास, तब उस पर एक सूडो टॉर्क भी लगता है, एक डी लैम्बर्ट टॉर्क भी लगता है, ठीक है. तो अगर इस पंखे का एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो उसपे एक सूडो टॉर्क भी लगेगा, एक डी लैम्बर्ट टॉर्क भी लगेगा इन द अपोजिट टू द एक्सेलरेशन विच इज विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है. तो यहां पर अपना ये हो गया, ठीक है. अभी देखिए, सो इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इट इज नेसेसरी टू अप्लाई डी लैम्बर्ट टॉर्क और मोमेंट आई अल्फा टू क्रिएट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है. तो इतना पांच पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. इस पांच पॉइंट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वाले, ठीक है, वो अच्छे से आपको रटने चाहिए आपने, ताकि आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आप अच्छे से ये कर पाओ, ठीक है. तो हम न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे इसको बार बार हम बात करेंगे, ठीक है. तो इस वीडियो को यहां पर ही एंड करता हूं मैं, ठीक है. इसके अगले वाले वीडियो में जो पार्ट थ्री है उसमें हम डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है वो समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है. तो इस वीडियो को यहां पर ही एंड करता हूं. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है. तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए.